गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ प्रणति और आप देख रहे हो मेरे चैनल प्रणतिस ट्रैवल डायरी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गोवा का सेकेंड एपिसोड, जिसमें रहेगा मारियो मिरांडा का आर्ट गैलरी, काबो दे रामा फोर्ट, आगोंडा बीच एंड लास्ट पालोलिम बीच। गोवा का फर्स्ट एपिसोड में था सीएसटी स्टेशन से मडगांव स्टेशन तक का जर्नी। ब्यूटीफुल बेनुलिम बीच। गोवा का फर्स्ट एपिसोड अगर आप अभी तक देखे नहीं हो तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम 12 अक्टूबर सीएसटी स्टेशन से रात 10 बजे का ट्रेन पकड़ के नेक्स्ट डे पहुँचे थे गोवा। गोवा में बेनुलिम बीच के पास एक रिसोर्ट में हम एक दिन के लिए रुके थे। उसके बाद 14 अक्टूबर हम गए पालोलिम बीच। बेनुलिम बीच से पालोलिम बीच का डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। हम उसके लिए एक कार हायर किए थे। कार का फेयर पड़ा था 2,500 रुपीज़। बेनुलिम से पालोलिम बीच जाने के टाइम हम रास्ते में कुछ स्पॉट घूमते हुए गए थे। पालोलिम बीच जाने का समय रास्ते का एक साइड पे अचानक नज़र में आया मारियो मिरांडा का आर्ट गैलरी। हम कुछ टाइम के लिए कार एक साइड पे पार्क किया और आर्ट गैलरी घूमे थे। मारियो मिरांडा एक फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट एंड पेंटर था। इनके कार्टून द टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित होते आए हैं। 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्मभूषण प्राप्त करने वाले मारियो मिरांडा का जन्म दमन में हुआ था। मारियो मिरांडा को विशेष तौर पर इलुस्ट्रेटेड वीकली के लिए बनाया कार्टून्स के लिए जाना जाता है। आर्ट गैलरी के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इधर से आप कार्टून्स का बुक्स और पेंट किया हुआ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ले सकते हो। मारियो मिरांडा का आर्ट गोवा में एक सिग्नेचर है। आर्ट गैलरी देखने के बाद हम आए काबो दे रामा फोर्ट में। हम अभी है काबो दे रामा फोर्ट में। तो ये फोर्ट का स्टोरी ये है कि श्री राम ने जब 14 साल के लिए वनवास पे था तब कुछ दिन इधर आके रुके थे, तो इसका नाम ये इसलिए रामा फोर्ट है। बट जब पोर्तुगीज़ का उपनिवेश था ये गोवा, तब पोर्तुगीज़ों ने ये किले को कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद नाम हुआ काबो दे रामा फोर्ट। ये फोर्ट के राइट साइड में आप जाओगे थोड़ा सा ट्रेक करके नीचे की तरफ, तो बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा जो शी शोर है एक, और इधर आके बैठने को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप साउथ गोवा विजिट करते हो तो इधर आपको ज़रूर इधर आप एक बार ज़रूर आके विजिट करना।
बैठी हूँ काबुगिरामा फोर्ट के समंदर के साइड पे। इधर से बैठने को बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा है और इधर से सीन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। काबुगिरामा फोर्ट के बाद हम आए आगोंडा बीच। आगोंडा एक विलेज है जो साउथगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये विलेज के अंदर एक खूबसूरत बीच है। आगोंडा बीच टर्टल नेस्टिंग साइट के हिसाब से जाना जाता है। आगोंडा बीच से हम अभी जा रहे हैं हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पालोलेम बीच। पालोलेम में हम लोग रुके ड्रीम्स ऑफ पालोलेम रिसोर्ट में। आइए रिसोर्ट के अंदर कैसे है देख लेते हैं। ड्रीम्स ऑफ पालोलेम रिसोर्ट बहुत ही अच्छा लोकेशन में है, एकदम पालोलेम बीच के सामने ही है। रास्ते का एक साइड पे रूम्स हैं और एक साइड पे है टेंट। रूम का कॉस्ट है 2500 रुपीज़ और टेंट का है 3000 रुपीज़। टू नाइट्स के लिए इधर रूम लिए थे बट रूम्स हमें बहुत ही अनकम्फर्टेबल लगा तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग दूसरा एक होम स्टे में शिफ्ट किया। वो होम स्टे मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी हम बात करते करते आ गए पालोलेम बीच। पालोलेम बीच फेमस है इसका सीनिक व्यू के लिए। बहुत सारे लोग इधर आते हैं वाटर स्पोर्ट्स एंड गोवन कल्चर एंजॉय करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए बोट्स का क्या रेंट है। डबल का सिंगल का टू, दो जन के लिए मैक्सिमम है और तीसरा आदमी छोटा बच्चा है तो भी देखी जा सकते हैं। तो है अभी अंधेरा होने वाला है तो चलिए रात को पालोलेम बीच कैसा लगता है वो आप सबको दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 15 अक्टूबर और सुबह सुबह फिशरमैन फिश पकड़ के लेके आए हैं और हम आ गए हमारा होम स्टे में। ये होम स्टे में आके एकदम विलेज के जैसा ही फील होता है, चारों तरफ एकदम शांत है। ड्रीम्स ऑफ पालोलेम से वॉकिंग डिस्टेंस है, 2-3 मिनट ही लगता है। चलिए अभी रूम्स देख लेते हैं। रूम के अंदर है एक फ्रिज और एक वार्डरोब और एक साइड पे है एक छोटा सा किचन जिधर आप खाना बना सकते हो और किचन के बाजू में है वॉशरूम। रूम में लगेज रख के हम आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए केट्स रेस्टोरेंट पे जो है ड्रीम्स ऑफ पालोलेम के ठीक ऑपोजिट। ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इधर रूम्स भी अवेलेबल है लेकिन हम जब गए थे तब रूम्स खाली नहीं था। ये रेस्टोरेंट वेल डेकोरेटेड है एंड क्लीन है और इधर का खाना बहुत ही टेस्टी है। और ये है इस रेस्टोरेंट का ओनर जो बहुत ही हंसमुख है और लोगों के साथ इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट में क्या क्या था एक बार देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट में था आलू पराठा, चना मसाला, आचार, दही और रोस्टी, और था ब्रेड, ऑमलेट, फ्रेंच फ्राइज एंड स्वीट रेड बीन्स करी। उसी दिन हम रिलैक्स किया, पालोलेम बीच में घूमे और 16 अक्टूबर हम लोग निकले थे नॉर्थ गोवा के लिए। उसका ही स्टोरी लेके आ रही हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।
तक हमारे साथ रहिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।